वो देखो, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। फाइनली 6:15 के आसपास बारिश रुक चुकी है। अब मुझे लगता है कि नहीं आएगी, तो फिलहाल चलता हूँ अपने काम पे। फाइनली मैं अपने दोस्त के रूम पर पहुँच चुका हूँ, बस उसका ही वेट करेंगे। वो आएगा फिर चलते हैं यहाँ से रूम देखने के लिए। फाइनली मैं रूम देख के आ चुका हूँ, और वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता कि थोड़ा प्राइवेसी में है। तो उस रूम की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पापा को भेज दी है। अभी वो पॉपआउट हो चुका है। अभी जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था, वो काम तो मैंने जो भी था वो कर दिया, लेकिन अभी पापा का कॉल आया और पापा ने बोला कि अभी वहाँ पे काम ज़्यादा होने से भाविक को 1 महीना लेट भेजेंगे, तो उसकी वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से घर। अभी रात के 10 बजे यहाँ से निकलता हूँ, देखते कि बस मिलती है या नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो ATM में से पैसा निकलवाने पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कैश है नहीं। तो लेट्स गो, भी ATM में से कैश निकालते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि मेरी 15 तारीख को कॉलेज खुल रही है ना, तो मेरा सामान तो घर पे ही है। क्योंकि भाविक पे आने वाला था तो सारा सामान साथ ही लेके आया था, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है, तो फिलहाल मुझे ही जाना पड़ेगा अपना सामान लेने, और कल या परसों सामान लेके वापस राजकोट आ जाऊँगा। तो अभी चलते हैं, और सारा प्लान तो चौपट ही हो चुका है। बोलो, कोई बात नहीं। ATM में पहुंच गए, चलो पैसे निकलवा दे। ATM में से पैसे निकाल लिए, और अभी चलते हैं यहाँ से बस स्टैंड। रिक्शा करनी पड़ेगी यहाँ से, तो बस रिक्शा का ही वेट करते, देखते मिलती है नहीं मिलती। भी रात के भी 10:15 मुझे लगता है मिल तो जाएगी रिक्शा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, वेट करते। नहीं लगता कि यहाँ से रिक्शा मिलेगी, मुझे लगता है थोड़ा चल के आगे ही जाना पड़ेगा। चलना तो बहुत पड़ेगा, थोड़ा नहीं है यार, बहुत चलना पड़ेगा। चलो आगे ही चलते, यहाँ पर तो नहीं मिल रही है। तो अभी रात के 10:30 बजने को आए, फिर भी मुझे रिक्शा नहीं मिली है। और कितनी देर लगेगी रिक्शा मिलने में? अभी 11 बजे की तो बस है, लेकिन क्या ही करें, क्या कर सकते हम। हो सके तो जल्द से जल्द पहुँचने की ट्राई करता हूँ यहाँ से। फाइनली मुझे रिक्शा मिल चुकी है। तो अभी रिक्शा वाले ने यहाँ पे रिक्शा खड़ी की है चाय पीने के लिए। तो अभी रात के 10:30 बजे, और हमारी बस तो 11 बजे लगने वाली है। तो कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे यहाँ से, और बस तो मेरे ख्याल से मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी देखते हैं स्टेशन जाके क्या हाल होता है हमारा। फाइनली स्टेशन पहुंच चुका हूँ, और शायद तक बस तो अभी नहीं लगी है। और ये रही यहाँ की एंट्रेंस, और चलते हैं कि देखते हैं कि हमारी बस लगी है कि नहीं। तो राजकोट का बस स्टैंड तो अंदर से बहुत ही साफ़ सुथरा और एकदम हाईटेक दिखता है, ये देखिए। तो ये रही वो जगह जहाँ पर सारी बसें लगती है, और यहाँ का पंखा देखो कितना बड़ा है। और मेरी बस तो 7, 8, 9 नंबर पे आने वाली है, तो चलो वहाँ चलता हूँ यहाँ से। 11 बजने को आए, लेकिन मेरी बस अभी भी नहीं आई है, और ये सब लोग उस बस के ही राह देख रहे हैं। फाइनली 11:30 बजे मेरी बस मुझे मिल चुकी है, और यहाँ पे भीड़ देखो आप लोग, देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे। तो फाइनली सुबह के 4 बजे मैं गंदम पहुँच चुका हूँ, और अभी तो घर पे चल के जाने में मज़ा आएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। और कुछ डर भी लगेगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और रास्ते में कुत्ते बहुत आएंगे। डर तो सिर्फ एक बात का ही लगेगा, रास्ते में कुत्ते बहुत आएंगे, बस उनसे ही संभल के चलना पड़ेगा। बहुत ही बुरा लगता है, जब मैं 2 दिन से वहाँ पे परेशान हो रहा था रूम ढूँढने के लिए, और फाइनली रूम मिला तो पापा ने मना बोल दिया, और बोलते हैं कि भाविक को 1 महीने बाद भेजेंगे। तो मुझे भी वापस आना पड़ा अपना सामान लेने, और अभी रूम वाले को भी मना बोलना पड़ेगा। देखो, इसे कहते हैं सुकून की ज़िंदगी। वो जागे उससे पहले मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। बस अब आधे से ज़्यादा रास्ता तो कवर हो चुका है, बस अब थोड़ा ही बचा है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो फाइनली 1.25 घंटे चलने के बाद मैं अपने घर तक पहुँच चुका हूँ। तो आज के लिए इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वर्ल्ड में। Thank you so much for watching. Bye.